हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। हमारे मेडिसिन रिव्यू के सीरीज में आज मैं एक और एंटीबायोटिक के बारे में बात करने वाला हूं, जिसका यूज हम तब करते हैं जब आपकी बॉडी में अलग तरीके के माइक्रोजम का इन्फेक्शन होता है, जिसमें आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है, आपके जेनिटल पार्ट के इन्फेक्शन हो सकते हैं, आपके ईयर में इन्फेक्शन हो सकते हैं, आपके थ्रोट में इन्फेक्शन हो सकते हैं, या किसी और टाइप ऑफ माइक्रोजम की वजह से आपको एलर्जिक रिस्पॉन्स और उसके साथ इन्फेक्शन दोनों साथ में हो गया हो, तब भी आप इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन ये सब यूज आपको अपनी मर्जी से नहीं करना है, जब आपके डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया हो तब भी यूज करना है। सो आज का जो हमारा ड्रग है वो है एजिथ्रोमाइसिन का टैबलेट, लेकिन ये इसका एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है। इसका ब्रांड नेम है AZ500। AZ500 इससे समझ में आता है कि यहां पे जो एजिथ्रोमाइसिन का कंसंट्रेशन यूज किया गया है वो 500 mg है। अब इसके साथ इसमें अलग अलग तरीके के एक्सिपेंट भी यूज किए गए होंगे, जिनका काम केवल बल्क को इंक्रीज करना है। यह शेड्यूल एच कैटेगरी का ड्रग है, जिसकी पहचान इसमें छिपी हुई लाल पट्टी बता रही है, इसलिए आपको वैलिड प्रिस्क्रिप्शन पे ही इसको लेके यूज करना चाहिए। चलिए, अगर आपके घर में ये दवाइयां यूज हो रही हैं तो ये जान लीजिए कि ये दवाइयां काम कैसे करती हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट बढ़ेगा। एजिथ्रोमाइसिन हो या कोई और अलग तरह का एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक कहने का मतलब होता है ऐसे एजेंट जो कि आपके बॉडी में ग्रो हो रहे माइक्रोजम की ग्रोथ को या तो स्टॉप कर देगा या तो उसे कंप्लीटली इरेडिकेट खत्म कर देगा। इसी के हिसाब से वो अपना अपना काम करते हैं। इन दोनों तरीकों को हम बोलते हैं बैक्टीरियोस्टेटिक या तो बैक्टीरिसाइडर रेस्पेक्टिवली। अगर वो ग्रोथ को रोक के रख रहा है, बढ़ने नहीं दे रहा है, तो उसे हम बैक्टीरियोस्टेटिक कहेंगे। अगर वो कंप्लीटली इरिडिकेट कर दे रहा है तो उसे हम बैक्टीरिसाइडल कहेंगे, बैक्टीरिया के रेस्पेक्ट में। ये दो चीजें तो अलग अलग पैरामीटर के हिसाब से क्लासिफिकेशन हो गई। एंटीबायोटिक के अलग अलग तरीके के काम होते हैं। अगर आप देख रहे हो एजिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, प्लेनिसिलिन, क्लोरमफेनिकॉल, अलग अलग तरीके के जो ड्रग होते हैं, इन सब का अपना अलग अलग मैकेनिज्म होता है, यानी कि ये अलग अलग तरीके से काम करके आपकी बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप या तो किल करते हैं। ये एजिथ्रोमाइसिन प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर का एग्जांपल है। प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा ड्रग, एक ऐसा एजेंट जो कि आपकी बॉडी में या किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की बॉडी में ग्रो हो रहे हैं माइक्रोजम के रेस्पेक्ट में प्रोटीन की सिंथेसिस, आपकी नहीं, उस माइक्रोजम के प्रोटीन की सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। और आप ये जानते हैं कि प्रोटीन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। ये प्रोटीन कई अलग अलग तरह के फंक्शन को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पूरा करता है, जिसमें बिल्डिंग ब्लॉकिंग का काम भी हो गया, अलग तरह के रिसेप्टर का काम होना, अलग तरह के एंजाइम के सिंथेसिस करना, ये अलग अलग काम होते हैं। ये जो राइबोसोम होता है ये आपके प्रोटीन सिंथेसिस के लिए काम करते हैं। ये हमारा एजिथ्रोमाइसिन इसी बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए आवश्यक प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस को स्टॉप करता है। ये आपका ट्रांसफॉर्म, ये आपके ट्रांसलोकेशन और आपके पेप्टाइडेशन, इन प्रोसेस को अफेक्ट करता है। कोई मिला करके ये कहूं कि इनके प्रोटीन के बनने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल प्रोसेस है इसको ये अफेक्ट करते हैं। सो जब प्रोटीन जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ और डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट के लिए जरूरी है बैक्टीरिया के रेस्पेक्ट में, इसको ये इनहिबिट कर देता है, सो बैक्टीरिया सर्वाइव कैसे करेगा। और जब बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं करेगा तो उसकी ग्रोथ की जो स्पीड है वो काफी कम हो जाएगी, क्योंकि बैक्टीरिया बाइनरी फ्यूजन में मूव करते हैं। ये 1, 2, 3, 4 ऐसे ग्रोथ नहीं करते, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 इसके प्रोसेस में ये मल्टीप्लीकेशन करते रहते हैं। सो जिस भी ड्रग के स्टेप पे आप इसको लेते हो तो वो ड्रग उस स्टेप को रोक देता है, जिससे ग्रोथ रुक जाते हैं या उसको खत्म कर सकते हैं। तो ये हमारे आज के ड्रग एजिथ्रोमाइसिन के काम करने के तरीके हैं। आज के डेट में ये देखा गया है कि मोस्टली हम बिना किसी डॉक्टर के सजेशन के, किसी से पूछ करके या तो मेडिकल स्टोर से ही पूछ करके एंटीबायोटिक ले लेते हैं। और ये जो एजिथ्रोमाइसिन है वो तो थोड़ा ज्यादा ही यूज किया जाने वाला है लोगों के द्वारा, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। कारण जानते हैं आप ऐसा क्या है, इससे अनावश्यक रूप से बॉडी में इस पर्टिकुलर ड्रग के लिए रेजिस्टेंस डेवलप होने लगता है, यानी कि फ्यूचर में ये दवाइयां अब आपको काम अच्छे से नहीं दे पाएंगी जैसा कि अभी दे रही होंगी, अगर आपने प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग लिया हुआ है तो। बट नॉन प्रिस्क्रिप्शनल ड्रग बन जाने के कारण से दिक्कतें हो सकती हैं। साथ ही साथ क्या होता है कि ये जो एंटीबायोटिक है वो हमारे गट में पाए जाने वाले अच्छे फ्रेंडली बैक्टीरिया की ग्रोथ को भी अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से हमको GIT से कंसर्न अलग अलग तरह के साइड इफेक्ट प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस हमारे गट फ्लोरा में पाए जाने वाले बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी, तो इससे हमें कॉन्स्टिपेशन, अपच की जैसी प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं। सो कभी भी किसी भी तरह के ड्रग को, नॉट ओनली फॉर दिस बल्कि किसी भी तरह के एंटीबायोटिक को आपको यूज नहीं करना चाहिए। यहां पे एक चीज लिखा हुआ है जो मुझे अभी दिखी आपको एक्सप्लेन करते हुए, यहां पे इस टैबलेट के पीछे देखिए इसमें कितने टैबलेट हैं, 5 टैबलेट, 1, 2, 3, 4 और 5।
यहां पे एक रिमार्क लिखा हुआ है इस ड्रग के आगे, अगर आप देखोगे तो यहां से मैं पढ़ दे रहा हूं, कंप्लीट द कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक। आई होप कि दिखे, पर शायद ना दिखे, छोटा सा है। कंप्लीट द कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक कहने का मतलब है कि अगर आपके डॉक्टर ने इसका कोर्स दिया है, ऑब्वियसली 5 दिन का कोर्स दिया होगा, तो आपको 5 टेबलेट को यूज करना है। ऐसा नहीं कि 1-2 दिन खाया, हाँ ठीक लगने लगा है मुझे, बाकी टेबलेट नहीं खाता हूं। इससे कोर्स अधूरा हो जाएगा और वो बैक्टीरिया जो आपकी बॉडी में थोड़ा वीक हो गया है वापस से उभर करके आ सकता है। सो उसको कंप्लीटली इंडिकेट करने के लिए ये 5 टेबलेट अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन ओनली डॉक्टर आपको सजेस्ट करता है। इसलिए कोई भी ड्रग का, खास करके एंटीबायोटिक का कोर्स आपको पूरा करना चाहिए। उम्मीद करता हूं ये ऐसी छोटी छोटी बेसिक जानकारी आपको काम आ रही होगी, आपके लिए काफी यूजफुल हो रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।